आज दिनांक 5 सितंबर 2020 को डीएलएस पब्लिक स्कूल देवरिया हाटा रोड परसियामल देवरिया में हमारे देश के महान शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी ने किया। डीएलएस पब्लिक स्कूल देवरिया हाटा रोड परसियामल में विद्यालय के प्रत्येक सदस्यों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक दिनेश लाल श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य इंजीनियर दिव्यांशु श्रीवास्तव, प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी, दिवाकर त्रिपाठी, शिव प्रकाश मिश्रा, रेखा राय, खुशबू राय, प्रशांत श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आदर प्रणाम आप सभी को, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डीएलएस पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण से एक संदेश देने का काम किया जा रहा है और आज हम लोग अपने हृदय स्थल से याद कर रहे हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान विचारक दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। जी हाँ, 5 सितंबर सन 1988 को जिनका जन्म हुआ था तमिलनाडु प्रांत में, और बहुत सारे शिक्षा के उद्गम स्थलों तक पहुंचने के बाद अपार ऊर्जा के साथ अध्यापन करने के पश्चात कई सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहने के बाद भी उन्होंने जिस सरलता का परिचय दिया उसी से भारत जाना जाता है। आइए उन्हीं के विश्वासों से और उन्हीं के दर्शन पर आगे बढ़ने की जरूरत है हम लोगों को, समाज को इससे दिशा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी पर बल देते हुए कहा था कि द बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज वेरी पेकुलर एंड इट इज मच मोर देन फादर, बिकॉज द फादर गिव अस बॉडी बट टीचर गिव अस सोल। जी हाँ, कहीं ना कहीं माता पिता हमको ये शरीर देते हैं, शरीर का निर्माण उनके द्वारा होता है, लेकिन शिक्षक हमारी आत्मा का निर्माण करता है। इसी चीज को पुष्पित और पल्लवित किया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। विवेकानंद जी के विचारों को लेकर आगे गए और इनको अमेरिका में पुनः भाषण देने का अवसर मिला। इनकी विद्वता चारों तरफ फैली और 5 सितंबर 1962 को यह निर्णय लिया गया कि इस 5 सितंबर को पूरे हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो हमारा शिक्षक हमें निरंतर मार्गदर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साह और ऊर्जा भरते हैं। जी हाँ, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल यही परिभाषा देना चाहूँगा शिक्षक की कि शिक्षक वो हैं जो कमजोर में ताकत भरते हैं, शिक्षक वो हैं जो बेजान में जान डाल देते हैं। तो आइए, बेजान में जान डालना है, कमजोरों को ताकतवर बनाना है। तो पुनः आपसे मिलेंगे, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की डीएलएस के पावन प्रांगण से।